सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हमारा जो आज का टॉपिक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं, कैसे वो बॉडी से बाहर आता है, यानी कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं किसमें, ह्यूमन में। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, और उन प्रोसेस में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसमें एक वेस्ट क्रिएट होता है। जो ये वेस्ट क्रिएट होता है, इसका उस जगह से, अगर बॉडी के रेफरेंस में कहें, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के टिश्यूज को या ऑर्गन टिश्यूज को डैमेज कर देंगे, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नुकसान शरीर के अंदर करेंगे। इसी में जो हम जितना भी लिक्विड लेते हैं, किसी भी फॉर्म में लेते हैं, तो उसमें से जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को, स्पेशली यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, वेस्ट लिक्विड को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाएगा। अब रही बात कि जितने भी क्रिएचर होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, उनमें अलग तरीके का एक्सक्रीशन होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है, और एनिमल्स में भी जो जैसे मान लीजिए यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, उनमें अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं या उत्सर्जी अंग होते हैं। अब रही बात एक ही, यहाँ पर जब हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है जिसे कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन। बॉडी में कितना वाटर चाहिए, यानी कि वाटर की सही मात्रा हो, और सही तरीके से जो आयनिक बैलेंस है वो बना रहे, इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब दो चीजें रही, एक तो वाटर का कितना रिक्वायरमेंट है, यानी कि सही मात्रा रहे पानी की, और जितना बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस है, जो भी हमारा आयन फूड से जा रहा है, उस आयनिक बैलेंस को वो वहां पर मेंटेन करता रहे, यानी कि वो मेंटेन रहना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में किस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो पहले ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर बीन शेप दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये होती है किडनी। किडनी का जिक्र आपने बहुत सुन रखा ही है, हालांकि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके बारे में तो जानते ही, लेकिन इन जनरल क्या होता है, आपने बहुत जनरल बोल चाल में सुना होगा, किडनी में स्टोन हो गया है और कमर में दर्द हो रहा है, इस तरीके के आपने चीजें सुनी हुई हैं, तो वहां से आप इसको कोरिलेट करिएगा। याद रखने की जरूरत नहीं, हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके ध्यान में रखें, याद ही नहीं रखना पड़ेगा। देखिए, किडनी है, किडनी बीन शेप आपको दिखाई दे रही है, मतलब लगभग लगभग आपको जो इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राजमा के जैसा दिखाई दे रहा है, कलर भी लगभग लगभग वैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और जो हमारी बैकबोन होती है उस बैकबोन के ये दोनों तरफ एक एक होती है, यानी कि किडनी कितने में हो रही है, पेयर फॉर्म में होती है, यानी कि पेयर में होती है। अब किडनी में जितना भी यहाँ पर जो लिक्विड वेस्ट इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरिन। तो जितना लिक्विड वेस्ट इकट्ठा होता है वो सारा का सारा लिक्विड वेस्ट अलग अलग ऑर्गन से कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, एक स्पेशल ऑर्गन में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, या जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। दोनों किडनी में, लेफ्ट और राइट किडनी है, दोनों किडनी में इस तरीके का एक ट्यूब होता है, जो यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड दिखाई देगा। ये ट्यूब क्या करता है, आगे जाके एक बड़े से ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ये यहाँ पर ब्लैडर में यहाँ पर तक पहुंचता है, जो ऊपर से किडनी से वेस्ट लिक्विड को लाता है और इस बड़े से ब्लैडर में इकट्ठा कर देता है। यानी कि ये वो ब्लैडर है जिसमें टोटल बॉडी का लिक्विड वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और सारा वेस्ट इकट्ठा तब तक रहेगा जब तक कि, देखिए ये क्या होता है ना, कंट्रोल्ड होता है, यानी कि जो यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्स आ रही हैं या जितना भी ये यहाँ पर आ रहा है, ये एक तरीके का तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, यानी कि नर्वस कंट्रोल होता है। तो हम कई बार जो यूरिन पास करना होता है उसको कुछ टाइम तक रोक भी सकते हैं। रही बात फिर से आते हैं फिगर, इसके स्ट्रक्चर पर।
स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वेना केवा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और रेड में दिखाई दे रहा है आपको अरोटा यानी कि धमनी। ये है बाइवृक्क और एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड है जो ऊपर क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है, ये एड्रीनल राइट और लेफ्ट दोनों में किडनी में अलग अलग है। ये मेजर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है, रीनल पेपिली है और रीनल पेल्विक्स है, रीनल पेरेन्काइमा जो ये बाहर का सारा टिश्यू है। तो ये इसके कुछ ऐसे नाम है या इसके जो कुछ पार्ट है वो हुए। अब रही बात कि किडनी किस तरीके से काम करेगी, जैसे फर्स्ट क्या हुआ कि पार्ट कौन कौन से हुए, एक जोड़ा यहाँ पर किडनी हुआ यानी कि वन पेयर ऑफ किडनी हुआ। हर किडनी से एक एक यहाँ पर एक ट्यूब निकलेगी जिसे मूत्र नली या यूरेटर कहते हैं। राइट किडनी से राइट यूरेटर है ये लिखा है यहाँ पर, और लेफ्ट से लेफ्ट यूरेटर है। ठीक है, तो हर किडनी से आएगी, दैट मींस ये भी क्या होंगे, दो पार्ट में होंगे। और ये दोनों ट्यूब कहाँ खुलती हैं, ये दोनों ट्यूब खुलती हैं ब्लैडर में, जहां पर कि पूरे का पूरा जितना लिक्विड वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा। रही बात ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर वो वाला स्ट्रक्चर है जो एक थैले या बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है और जितना लिक्विड वेस्ट है यानी कि यूरिन है वो सारा का सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जहां से कोशिकीय संकुचन के द्वारा बॉडी से जो यूरिन है वो बाहर निकाल दिया जाएगा और ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर को और डिटेल देखते हैं तो इसमें आपके क्या आते हैं, ग्लोमेरुलस आते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स आते हैं जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जहां पर कि हम प्रॉपर फिल्ट्रेशन को पढ़ेंगे, आपका नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज, ये तो जनरल अभी जो स्ट्रक्चर हमने देखा था जनरल स्ट्रक्चर था जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, आपको कई बार डायग्राम बनाने को आता है या मेंशन करने को आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए, वो ब्रॉडली था। बट यहाँ पर किडनी किस तरीके से काम कर रही है ये वो वाला स्ट्रक्चर है, बहुत जाल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं देखिए ये ब्लू और जो हमने रेड अभी यहाँ पर देखे थे वेना केवा और अरोटा, ठीक है, ये क्या होते हैं एफ्रेंट और इफ्रेंट, दो तरीके के, एक अपवाही एक अपोवाही, यानी कि एक ऊपर ले जाने का काम करता है लिक्विड को और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने और उसके फिल्टर होने के बाद लाने और ले जाने का काम इनका होगा। ये यहाँ पर एक कैप्सूल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बोमिन कैप्सूल। यहाँ पर पूरे का पूरा एक लंबा सा ट्यूब है और ये एक यह ट्यूब पतली होके एक यू शेप बनाती है जिसको बोलते हैं हेनलेलू। यहाँ कहीं मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन इसको बोलते हैं पूरे का पूरे को, ये जो यू शेप क्रिएट हो रहा है ये होता है हेनलेलू। इसमें जो ये नीचे की ऐसे तरफ आ रहा है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ होगा, यहाँ से फिल्टर होने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ आएगा ये डिसेंडिंग लिम्ब बोला जाता है, और यहाँ से फिल्टर होने के बाद जब ये ऊपर जाता है तो इस साइड ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है यानी कि मोटी हो जाती है ये ट्यूब, और इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। यानी कि यहाँ से फिल्टर होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद ये पूरे का पूरा आपको ये जो ब्लू और रेड दिखाई दे रहा है ये सारे की सारी हमारी कैपिलरीज हैं जो प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं क्योंकि चीजों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। अब रही बात इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये ट्यूब आप आगे आप देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ के साइज में और यहाँ के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ये आगे जाके मोटी हो जाती है और इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि दूरस्थ खंड की शिरा। इसके बाद ये ट्यूब्यूल कहाँ जाती है, आगे जाकर एक बड़े से ट्रैक में यानी कि रीनल वेन में इस ओर जाती है और ये आगे कलेक्टिंग डक्ट जो यहाँ पर ब्लैडर से कनेक्टेड होगी और इस ब्लैडर में सारा का सारा जितना भी वेस्ट है लिक्विड वेस्ट है वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब रही बात इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसमें एक्चुअली मेन जो काम है या मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल रह गया है उसको फिल्टर करना और उसको बाहर निकालना।
ठीक है। अब देखिए, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, जो ब्लड है उसमें से सेपरेट हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी हमने पढ़ा था, जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन की डिमांड बनी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सेपरेट हो जाती है। अब ये तो गैसियस तो हो जाता है, बट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे यूरिया है या यूरिक एसिड है, वो किडनी में ही यहाँ पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो एक चीज तो आप ध्यान में रखेंगे, किडनी में मेन किन चीजों का सेपरेशन होता है, नाइट्रोजिनस मटेरियल्स हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उनका यहाँ पर सेपरेशन होगा। जैसे क्या होगा, यूरिया हो गया या यूरिक एसिड्स हो गए, ये यहाँ पर क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अगर ये सेपरेट यहाँ नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को बहुत ज्यादा इंजरी, इंटरनल टिश्यू को इंजरी कर सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। अब रही बात, यहाँ पर जो अरोटा है, अरोटा क्या करेगा, जो वेस्ट है उसको लेके आएगा, और वो कहाँ तक लेके आएगा, किडनी तक लेके आएगा। ठीक है, किडनी तक वेस्ट ला रहा है, किडनी तक वेस्ट लाने के बाद उसको कहाँ ले जा रहा है, उसको ले जा रहा है ये यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में। ये बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट जो है, यहाँ पर प्रॉपर आपको जाल जैसा ये दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको फिल्ट्रेशन का काम करेगा, लगातार यहाँ पर फिल्टर होता चला जाएगा। अब ब्लड सेल्स में बहुत सारे जो यूजफुल यहाँ पर पदार्थ होते हैं, जैसे क्या क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुए, या कुछ यहाँ पर साल्ट्स हुए, या वाटर हुआ, ये दोबारा यहाँ पर इनका क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। अगर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा तो बहुत सा यूजफुल मटेरियल क्या हो जाएगा, फिर से वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वेस्ट के फॉर्म में बॉडी में ही रह, वो मतलब वेस्ट के साथ वो यूजफुल मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना उसमें से यूजफुल बचा हुआ है वो दोबारा क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब क्या हुआ, जितना भी ये फिल्टर्ड पार्ट है, इसका कलेक्शन होना है, जैसे कलेक्टिंग ट्यूब बोला, डक्ट बोला, इसमें कलेक्शन हो जाना है। और जितने भी यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस से एक्चुअली होता क्या है, कि जितना यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी है, या जितना भी बहुत सारा, क्योंकि लिक्विड की बात कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ पर डिजोल्वेबल है, उसका भी वेस्ट के फॉर्म के बाद एक्सक्रीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत लंबी सी ट्यूब हमने देखी ही है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, लंबा सा एक ट्यूब जारी है और जो फाइनली यहाँ पर ब्लैडर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब रही बात, अगर ये ब्लैडर में कब तक रहेगा, ये ब्लैडर में तब तक रहेगा जब तक कि इससे बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाए। आपने एक चीज सुनी होगी, जो आपने डायलिसिस सुना होगा, डायलिसिस में एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लैडर है, ब्लैडर से प्रॉपर तरीके से वो वेस्ट नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल तरीके यूज किए जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा ब्लैडर है, यानी कि जो मूत्राशय है, वो पेशी होता है, ठीक है, पेशियों का बना हुआ होता है, और टोटल का टोटल वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे कनेक्टेड होता है या कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कई बार जो बॉडी से या यूरिन को पास करने का प्रोसेस है, जैसे शुरू में ही मैंने बोला, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, और इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लैडर में कनेक्शन है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी कि तंत्रिका सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से काफी हद तक वो हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन कई बार जब ये नहीं हो पाता तो उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। अब रही बात कि अगर टोटल यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर हम इन स्टेप डिवाइड करें तो कितना होगा, हम इसे केवल 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, यहाँ से समझा देती हूँ। पहला प्रोसेस हुआ था जिसमें हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, जो बोमेन कैप्सूल में हो रहा था, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड्स है, इन सब का यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो पता होना चाहिए कि बोमेन कैप्सूल में किस चीज का फिल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने कहा कि जब एक बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जो सेल्स हैं, आसपास के सेल्स हैं, वो दोबारा एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सीक्रेशन होता है, जिसमें यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, या जितने साल्ट्स हैं वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग ट्यूब में भेज दिए जाते हैं, और उसके बाद वो ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब रही बात, क्या किडनी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए, तो बिल्कुल।
अगर किडनी नहीं होगी तो जितने हार्मफुल ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर रह जाएंगे, वो बॉडी में एक तरीके का वाटर का और आयन का इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे बोला जाता है जो साफ पानी में रहते हैं या मीठे जल में रहने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्किन और जो उनका माउथ है उससे बहुत बड़ी मात्रा में पानी को अंदर लेते हैं और बार बार बहुत सारा जो यूरिन है वो पास करते रहते हैं, बिकॉज उनका जो वाटर का फ्लो है, नहीं तो वो वेस्ट जितना उसमें से एसेंशियल है वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगे सेल्स, बट वेस्ट को भी कंटिन्यूस में सीक्रेशन करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब रही बात हम जैसे में, यानी कि मनुष्य में है या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनको वाटर कंजर्व करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। रीअब्जॉर्प्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको वाटर कंजर्वेशन करना है। तो इस रीअब्जॉर्प्शन से बहुत ज्यादा मात्रा में अगर जो वाटर लॉस होगा उसको कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ उसकी वजह से एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। अब रही बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारी किडनी है वो काम करना बंद कर दे या कोई दिक्कत आ जाए? तो देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि किडनी में चोट लग गई है, हो सकता है कि ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या वेस्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को साफ करने में हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी काम करना बंद कर सकती है। तो इसके लिए क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से किडनी से वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, और ये तब ही होता है जब प्रॉपर तरीके से किडनी फंक्शन ना कर रही हो। इसमें एक मशीन का यूज होता है और एक लिक्विड को टैंक से, बहुत सी कॉइल्ड होती हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, आगे ट्रांसफर किया जाता है। इसमें है नहीं, नहीं तो मैं आपको मेंशन करती। तो टैंक से उसको भेजा जाता है और उसके बाद बॉडी का वेस्ट लगातार ब्लड से टैंक में फैल जाता है, और जो मतलब बीमार है यानी कि पेशेंट है, वो पेशेंट को फिर आफ्टर प्यूरिफाई करके, क्लीन करके, फिल्टर करके दोबारा उसकी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये डायलिसिस या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या यूरिन का फॉर्मेशन, या जब यूरिन फॉर्म हो रहा है तो कितने स्टेप्स वहां पर हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को एड ऑन किया है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। लगातार साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।